Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Mathematics Learners Book 7 और चैप्टर नंबर 1 इन टीचर्स की एक्सरसाइज 1.3 आज हम करेंगे. अभी तक हमने बात की थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की. अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में. सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट आर मल्टीपल्स. मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से निकला है, यानी जब हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास उसका प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीपल है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2. सिमिलरली 2 का टेबल में पढ़ती जाऊंगी और मेरे पास जो आंसर्स आते जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 7 एंड 12. हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हर नंबर का जो पहला मल्टीपल होता है वो खुद अपना आप होता है. ठीक है, सो अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, और यू कैन से द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इज इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 से मल्टीपल से स्टार्ट होंगे. 5, 10, 15, 5 4 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. 5 का टेबल पढ़ते जाइए और सारे के सारे नंबर्स इसके मल्टीपल्स आ गए. ठीक है, इसी तरह से पार्ट बी में हमें 10 के मल्टीपल्स निकालने, तो 10 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. 10 10 20 30 40 50 60. आपको फर्स्ट 5 लिखना है तो बस काफी है. ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स किसी भी नंबर के अनलिमिटेड होते हैं. एक दफा स्टार्ट हो गए तो कभी खत्म नहीं होंगे. जैसे नंबर्स खत्म नहीं होते ऐसे ही मल्टीपल्स खत्म नहीं होते. अलबत्ता फैक्टर्स की जब हमने बात की थी तो फैक्टर्स आर ऑलवेज लिमिटेड. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि उनके फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं इसलिए 0 हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 के अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 7 को. 7 का टेबल पढ़ लेते हैं. 7 1s are 7, 2s are 14, 3s are 21, 4s are 28, 5s are 35 एंड सो ऑन. और उसके बाद है हमारे पास 12, तो 12 की भी मल्टीपल्स निकाल लेते हैं. 12 24, 36, उसके बाद 48 60 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे हमारे पास इनके मल्टीपल्स आ गए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर लेस देन 40. हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 मालूम करने हैं जो कि 40 से लेस देन हो, तो 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और 40 से लेस देन हमें हमें लिखे जाने. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42. तो हमने 40 से लेस देन लिखने इसलिए 42 हम यहाँ नहीं लिखेंगे. उसके बाद हमें राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट आर लेस देन 40. तो अब हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने जो 40 से लेस देन हो, तो अब 5 के लिख लेते हैं. 5 का टेबल पढ़िए. 5 1s are 5, 2s are 10, 15, 20 25, 30 35 एंड 40. हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने हमसे कहा है लेस देन 40. अगर इन्होंने हमसे कहा होता लेस देन और इक्वल्स टू 40 तो फिर हम 40 को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते. ठीक है, उसके बाद पार्ट सी में कह रहे हैं फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 दैट आर लेस देन 40. तो हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स देख लिए, यानी कि वो सारे मल्टीपल्स जो 3 के भी हों और 5 के भी हों. तो इसके अंदर हमें सबसे पहला जो मल्टीपल नजर आ रहा है वो 15 नजर आ रहा है, जो कि 5 और 15 दोनों का मल्टीपल है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल नजर आ रहा है वो हमें 30 नजर आ रहा है. ठीक है, तो हमने 30 को भी, इसके अलावा हमें 40 से लेस देन में कोई नंबर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो. ठीक है, तो हमने कहा बस ठीक है, सिर्फ 2 ही हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल्स है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 लेस देन 40 आर 15 एंड 30. सही है, ये 2 मल्टीपल्स है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3 दैट आर लेस देन 50. अब 4 और 3 के आपने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि लेस देन 50 हो. तो सेम यही काम करना है 3 और 4 के साथ. 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए लेकिन इस बार 50 से लेस देन लिखने हैं, तो थोड़े से मल्टीपल्स और ज्यादा लिखने हैं. ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, हम लिखते चले जाते हैं यहाँ पर.
और फोर की मल्टीपल सीखेंगे तो फोर का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 20 24, 28 32, 36 और 40. 40 इसका मल्टीपल होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें 50 तक लिखना है. 40, फिर 44, फिर 48. ठीक है, अब हमने क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे तो जितने कॉमन हमें नजर आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे. पहला फैक्टर 12 है, फिर दूसरा फैक्टर 24 नजर आ रहा है, फिर उसके बाद हमें 36 नजर आ रहा है, और उसके बाद हमें 48 नजर आ रहा है. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 हमारे पास क्या निकले, 12, 24, 36 एंड 48. हमसे कह रहे हैं कंप्लीट दिस सेंटेंस, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3 आर मल्टीपल्स ऑफ. बेसिकली ये चारों मल्टीपल्स हैं किसके, अगर आप गौर से देखो तो ये 12 के मल्टीपल्स हैं. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. इसका मतलब क्या हुआ, जब दो नंबर्स के हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारे के सारे मल्टीपल्स जो इस प्रोडक्ट के होंगे वही आपके कॉमन मल्टीपल्स होंगे इन दोनों इंटीजर्स के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है. आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा. स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.